अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स टॉक अबाउट द एनकरेज मीटिंग ऑफ 18th मार्च 2021 और उससे पहले का जो क्वाड वर्चुअल समिट हुआ था जिसके बारे में आई मेड अ वीडियो अर्लियर एज वेल और उसके अलावा इंडो पैसिफिक पॉलिसीज ऑफ प्रेजिडेंट बाइडेन और इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स विच इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन द ईयर्स टू कम. इस सब के बारे में कुछ इम्पैक्ट्स कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में. So the talks begin and the talks begin with fierce comments, in camera fierce comments. Usually this tarah se hota hai ki even if the rival countries are holding some meeting, to in camera unki thodi si like they have a softer talk. Aur iske baad closed door talks jo bhi hoti hain usme jo bhi unka harder stance hota hai that comes forward. However is time pe jo Anchorage meeting hui hai in Alaska usme the talks have been fierce in camera bhi. Phir closed door session mein kya किस हद तक बात हुई होगी वन कैन एनालाइज दैट फ्रॉम द टॉक्स विच वर इन कैमरा. है द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलेवन सेड दैट वी एक्सपेक्टेड टू हैव टफ एंड डायरेक्ट टॉक्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. और इसी के रिस्पॉन्स में टॉप चाइनीज डिप्लोमैट यांग जेची he said that China will firmly safeguard national sovereignty, security and development. इसके अलावा हमें US Secretary of State Antony Blinken की तरफ से भी statement सामने आती हुई नज़र आती है and he said कि he was not surprised that the US got a defensive response from China after it raised allegations of Chinese human rights abuses in Xinjiang, Tibet, Hong Kong as well as cyber attacks and pressure on Taiwan. तो इस सब सिनेरियो में क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इट्स बिन मोर देन 2 मंथ्स दैट प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ टेकन ऑफिस. तो इस सब सिनेरियो में हम अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट बाइडेन की स्ट्रैटेजी पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना क्या है तो हम ये देखते हैं कि इट इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रंप. द रीज़न बींग दैट दो बाइडेन हैज़ रिवर्स्ड अ लॉट ऑफ प्रेजिडेंशियल ऑर्डर्स दैट वर टेकन बाय प्रेजिडेंट ट्रंप. हाउएवर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के हवाले से देखा जाए स्पेसिफिकली अगर चाइना के हवाले से देखा जाए तो नथिंग हैज़ बिन रिवर्स्ड. इन फैक्ट इट हैज़ बिन लाइक द रिस्पॉन्स हैज़ बिन डबल. और ये हम देखते हैं कि द अलेजेड अब्यूजेज ऑफ चाइनीज मुस्लिम्स इन शिनजियांग रीजन ऑफ चाइना दे हैव बिन टर्म्ड एज जीनोसाइड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हांगकॉन्ग क्रैकडाउन हैज़ ऑल्सो बिन कंडेम्ड. प्रेजिडेंट बाइडेन ने रिजेक्ट किया है चाइना का क्लेम इन द साउथ चाइना सी और हुआवे इज ऑन द लिस्ट ऑफ द कंपनीज बीइंग चॉप्ड डाउन आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. एंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसपे मैंने अपनी पिछली वीडियो भी बनाई थी अबाउट द क्वाड समिट के बाइडेन मेट द क्वाड लीडर्स एंड China was excluded from that, of course, because Quad it consists of Australia, India, Japan, and US. So, इस पे फिर चाइनीज स्टेटमेंट भी आया कि यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इश्यूज विच आर बीइंग फेस्ड बाय द वर्ल्ड बट यू आर नॉट इंक्लूडिंग चाइना इन दैट सो हाउ कैन दैट बी पॉसिबल. एंड ऑल्सो सेंट टू टॉप ऑफिशियल्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डिफरेंट कंट्रीज के लिए to visit different countries in Asia but China was excluded from that. So the message is clear. Biden is designing a contained China coalition. So how can we describe the US and Chinese relations in all this scenario? So agar hum dekhen to US Chinese relations ko they can be tackled more in a business like terms rather than in military terms kyunki dekhen in military terms there's a clear winner and a clear loser. However US China context mein there is this what the international relations theorists call the zero sum game. So isme hum logo ko ye nazar aata hai ki in some spheres there is a competition between them and the most important here is the trade war of course and the strategy the dominance in the Indo-Pacific region aur kahin pe hum logo ko do सम स्फीयर्स लेकिन हम लोगों को नज़र आता है कि कहीं पे देयर इज़ कोलैबोरेशन बिटवीन देम. क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल थ्रेट विच इज़ कन्फ्रंटिंग द होल वर्ल्ड. और कुछ स्फीयर्स इस तरह के हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि दे आर लिटिल बिट इन बिटवीन. सो अगर ये देखा जाए कि वेदर देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूटी ऑफ ट्रंप पॉलिसीज और नॉट जैसे कि मैंने पहले भी बात की तो द US analysts they are of the view that Trump policies were also basically a continuity of what the traditional policy of containing China has been or what the traditional policy of
free and open Indo-Pacific has been because the policy of President Obama, the Asia Pivot policy, it has been taken forward by President Trump, because his free and open Indo-Pacific was a continuation of that policy. So Biden, of course, is also coming up with continuing that. So Obama's Asia Pivot policy continued into a free and open Indo-Pacific policy, and now President Biden policy. So all these can be witnessed as a traditional continuity of containing China, getting the dominance into the Indo-Pacific region, and building coalitions with the like-minded democracies in the region, and specifically with those countries jo ke lie karti hain on the periphery of China. Going ahead to a very important point, that is America in strategic contraction. हम देखते हैं कि पिछले चार सालों में जो अमेरिका की पॉलिसी रही, जो प्रेजिडेंट ट्रंप की पॉलिसी रही ऑफ अमेरिका फर्स्ट, दैट हैज़ बिन टर्म्ड बाई सम चाइनीज एनालिस्ट एज अमेरिका स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्शन. क्यों? क्योंकि चाइनीज एनालिस्ट का ये कहना है कि अमेरिका का विदड्रॉ करना फ्रॉम TPP, द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में से विदड्रॉ करना, और अमेरिका फर्स्ट होने की पॉलिसी, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए चाइना का एशियान कंट्रीज़ के साथ RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करना, विच इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. दिस शोज दैट चाइना इज़ नाउ गेटिंग द डोमिनेंस, द लीडरशिप इन द रीजन विच US लेफ्ट, बिकॉज US इज इन स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्शन. हाउएवर, इस पर हम लोग US के परस्पेक्टिव भी देखेंगे, एंड US एनालिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट अमेरिका फर्स्ट डिडंट मीन अमेरिका ओनली. और अगर इस रीजन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रंप्स पॉलिसी has also been in continuity of what the traditional policy of US has been, to hum ye dekhte hain ki is region ke under the US analysts are of the view ki there has been a greater American involvement. Hum dekhte hain ki there have been greater number of free navigations in the South China Sea, aur Taiwan ke sath there has been a greater cooperation in defense and military. It was in news ki US destroyer transited the Taiwan Strait. Phir they are also of the view ki there has been ग्रेटर मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद जापान. और इन 2020 जुलाई में जापान रिक्वेस्टेड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर $23.1 billion सो दैट इट कैन प्रोक्योर 105 मोर F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट्स. वेल, दैट शोज दैट अमेरिका डिड नॉट रिमूव इट्स टेंटिकल्स आउट ऑफ दिस रीजन. सो the Americans of course are of the view that this cannot be termed as America's strategic contraction. Well, this is the era of 4th industrial revolution, so how come we do not talk about technology? Technology ki baat karte hum ye baat karte hain ki is there competition? Of course there is competition, lekin kya koi collaboration bhi ho sakti hai in non-military spheres? Or non-military spheres mein top pe aati hai technology. Of course technology ki baat karenge because Huawei ki taraf sari ki sari topon ka rukh hai America ki. To hum log ye dekhte hain ki China is the largest consumer market, aur United States of America ko ab kya karna hoga? United States of America will have to be innovative in making its products, because largest consumer market is China, or China already is making innovative technology. So usko compete karne ke liye United States of America will not only have to be innovative, uske sath hi sath United States of America ko jo cheez pursue karni hai wo ye hai ki like minded democracies ke sath kis tarah se milke tech based rule banaya jaye, aur ye Biden administration ki ek policy bhi hai. So like minded democracies ke sath milke World Trade Organization ke forum ko use karke, of course there needs to be a policy made जिसके ज़रिए what they term as techno alliance among democracies, के democracies के बीच एक techno alliance बने, और ये भी कि technology से उनकी sovereignty compromise of course ना हो. Now moving to the question, कि क्या कोई hope है for the regional countries if there is a reset in the relations? Well, this is something very important for countries जो कि China की periphery पे lie करती हैं, कि वो ये जाने कि आगे future relations क्या होंगे, और आइदर कोई रीसेट इन रिलेशंस होता है या नहीं. हम लोग चाइना की तरफ से बात करें तो चाइना टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग व्यू ऑफ द रिलेशंस ऑफ कोर्स, क्योंकि चाइना के अंदर देयर इज नो इलेक्शन एवरी 4 इयर्स. लेकिन अगर हम US की बात करें तो US की पॉलिसीज़ को हम सिर्फ अगले 4 साल तक के लिए ही देख सकते हैं, क्योंकि 4 साल बाद अगर इस तरह से हो गया कि ट्रंप लाइक एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से आ जाती है, तो ऑल द थिंग्स विल टर्न अपसाइड डाउन अगैन. और जो चीज़ें अभी कंस्ट्रक्ट की जाएंगी या फिर जिन स्फीयर्स में कोलैबोरेट किया जाएगा, दैट कैन ऑल्सो जस्ट बी अपेंडेड. सो ना सिर्फ ये 2024 इज़ द ईयर जिसमें अगर हम लोग थोड़ा
थोड़ा सा लॉन्गर रन में देखें तो देर इज गोइंग टू बी इलेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ कोर्स एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि उस टाइम पे यूएस कांग्रेशनल या यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स और किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर होगी. सेकेंडली देर इज गोइंग टू बी द इलेक्शन इन इंडिया एज वेल, देर इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ताइवान एज वेल, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडोनेशिया एज वेल एंड इलेक्शन इन वन मोर कंट्री एंड दैट इज ईरान. सो वी कैन से द 2024 is going to be the most important year of the decade and that is the year which is going to drive the international politics even more. So that's going to be interesting, of course. And the final point of my today's video is the South Korea and US relationships and their impact on the South Korea and China relationships. जो recent dialogue हुआ between South Korea and US, उसमें एक important बात ये थी कि China was not mentioned in the public statements. और ये show करता है कि किस तरह से South Korea is keeping a balance between United States of America and China. और South Korea का क्योंकि ज़्यादा concern North Korea के साथ है और North Korea की तरफ से ये statements भी कि it is going to be very very difficult to resume a dialogue upon nuclearization. तो South Korea के लिए क्योंकि वो concern एक ज़्यादा level की importance रखता है तो वहाँ पर क्योंकि ये एक major irritant है for North Korea तो this can basically append the entire China focused strategy that the Biden administration has laid down. So that's the little I could cover out of this huge topic of the international politics. Well, what do you think of how the things are going to change in future? Comment down below and let me and everybody else reading the comments know about it. And I'll see you in the next video. Allah Hafiz.